जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं सेवन प्लस न्यूज़। मैं हूं आपकी होस्ट अमशा सतियाना। बंगला से खबर शामिल करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ मलक इमरान की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब हुकूमत की हिदायत पर पंजाब भर में पहली मरतबा स्टूडेंट्स कौंसिल के इंतखाबात का इनेकाद किया गया। इसी सिलसिले में तहसील जड़ावाला गोरमी टैमसी मिडिल स्कूल नंबर 1 में स्टूडेंट्स कौंसिल के इंतखाबात हुए, जिसमें तलबा वोटरों ने अपने वोट का हक इस्तेमाल करते हुए कौंसिल के सदर, नायब सदर, जनरल सेक्रेटरीज, फाइनेंस सेक्रेटरीज का इंतखाब किया। गिनती का अमल होने के बाद रिजल्ट मरतब किए गए। हुकूमत पंजाब ने स्टूडेंट्स कौंसिल के क्याम के लिए तलबा और तालबात में कायदाना सलाहियतों को उजागर करने के लिए आज पंजाब भर के सरकारी स्कूलों में 6 क्लास से 8 के तलबा और तालबात के दरमियान इलेक्शन मुनक्द करवाए। इस मौके पर डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर मोहम्मद जहाद जावेद, असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर शहाद रमजान और हेड मास्टर गुलाम सरवर ने इंतखाबात के अमल की निगरानी की। टीचर्स ने प्रेजाइडिंग के फ्राइज सर अंजाम दिए। गिनती का अमल मुकम्मल होने पर कामयाब होने वाले स्टूडेंट्स सदर मोहम्मद मोहल, नायब सदर मोहम्मद हमाद, जनरल सेक्रेटरी सैफुल हसन, फाइनेंस सेक्रेटरी मोजम अली मुंतखब हुए। इनकी कामयाबी पर तलबा ने खुशी का इजहार किया। आप देख रहे हैं 7 प्लस न्यूज़।